आम आदमी पार्टी बालढा हल्का अध्यक्ष व आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चांदवास ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर मांग की है कि चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार व बालढा के उप पुलिस अधीक्षक अनिल डूडी का तुरंत प्रभाव से चरखी दादरी से तबादला किया जाए। वहीं उन्होंने लिखे पत्र में कहा है कि दोनों अधिकारी चरखी दादरी जिले में लंबे समय से कार्यरत हैं तथा लोगों में आवाजाही की पकड़ दोनों की हो चुकी है, इसलिए जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर एक जिला ऐसा है चरखी दादरी जिला, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, अधिकारी मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बाढड़ा के डीएसपी अनिल लंबे समय से बाढड़ा के अंदर कार्यरत हैं, एक पुलिस अफसर का इतना लंबा लगना संदेह के घेरे में है, क्षेत्र की जनता इस अधिकारी से तंग व परेशान है, पब्लिक डीलिंग भी अच्छी नहीं है। वहीं उन्होंने बताया है कि तत्कालीन एसपी बलवान सिंह राणा ने एक मुकदमे में अनिल डूडी के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसकी मैंने आरटीआई भी मांग रखी है, जो अब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं राकेश चांदवास, हल्का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बाढड़ा, और लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब चरखी दादरी जिले और बाढड़ा जिले में जब अधिकारी मनमाना व्यवहार करते हैं तो मैं अक्सर मुद्दों को उठाता रहता हूं, क्योंकि जनता मेरे लिए सर्वप्रिय है। इसी कड़ी में मैंने और लोगों से बहुत सी आवाज़ें आईं और लोगों ने मेरे को बताया, तो मैंने माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी को पत्र लिखा है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूँ। इस पत्र में मैंने साफ तौर पर कहा है कि भिवानी चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और बाढड़ा के उप पुलिस अधीक्षक अनिल डूडी को तुरंत प्रभाव से चरखी दादरी से तबादला किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति अमन चैन बना रहे। वहीं उन्होंने मैंने मांग भी की है गृह मंत्री से कि आप यहां जो बाढड़ा के अंदर डीएसपी अनिल डूडी काफ़ी लंबे समय से बाढड़ा के अंदर कार्यरत है और अनेक लोगों से इसकी पहचान हो चुकी है और जान पहचान हो रही है, इसलिए ये न्याय देने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में मैं आपको एक घटनाक्रम भी बताना चाहूँगा कि सन 2019 में 259 नंबर मुकदमा बाढड़ा थाने में दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में एक आरोपी को डीएसपी अनिल डूडी द्वारा निकाल दिया गया था और उस संबंध में वहाँ के तत्कालीन एसपी माननीय चौधरी बलवान सिंह राणा जी द्वारा जांच डीएसपी के खिलाफ अमल में लाई गई थी, जिसमें डीएसपी को एसपी द्वारा दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी थी। इसके बाद मैंने आरटीआई से सूचना मांगी तो सूचना नहीं देने पर और उन्होंने जन सूचना अधिकारी ने लिखा कि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) के तहत आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, जो ये पत्र जारी किया गया। जबकि ये सूचना न देने पर मैंने पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी को प्रथम अपील भी दायर कर दी है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट होती है वो मैं आपको प्रथम अपील भी जो मेल से एसपी साहब चरखी दादरी को भेजी है वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि जांच रिपोर्ट कभी भी व्यक्तिगत दस्तावेज नहीं हो सकता। इस जांच रिपोर्ट पर आम आदमी की पहुंच होती है, ये कार्यालय दस्तावेज है, इसलिए एक मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का भी मैंने हवाला दिया है और इसलिए मुझे ये व्यक्तिगत सूचना न होने की वजह से जांच रिपोर्ट की कॉपी दिलाई जाए। जांच रिपोर्ट की कॉपी मिलने के तुरंत बाद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलने का प्रयास करूंगा पत्र लिख के, जो ही कोरोना वायरस की बीमारी खत्म होगी तो एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। धन्यवाद।